और अब बात करते हैं कानपुर देहात की, जहां पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, शाखा इकाई प्रभारी, प्रतिसार निरीक्षक व अन्य अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे। पुलिस लाइन में सैनिक सम्मेलन कर उपस्थित अधिकारी कर्मचारी गणों की समस्याओं, सुझावों से रूबरू होकर संबंधित को शीघ्र निस्तारण किए जाने हेतु आदेश जारी किए गए। साथ ही अधिकारी कर्मचारियों द्वारा विषम परिस्थितियों में भी निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किए जाने पर उनकी सराहना की गई एवं सभी आरक्षियों को निर्देशित किया गया कि अपनी बीट क्षेत्र के अपराधियों का भौतिक सत्यापन करें। सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गोष्ठी में मिशन शक्ति कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु महिलाओं, बालिकाओं को जागरूक करके साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु अभियान चलाकर आम जनमानस को जागरूक करने, लंबित शिकायती प्रार्थना पत्रों एवं थानों पर मालों को शीघ्र निस्तारण करने तथा समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की सतर्कता से तलाशी ली जाए। यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करें तथा यातायात नियमों का पालन करने हेतु उन्हें जागरूक भी करें। अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सातिर अपराधियों को चिन्हित कर उनकी हिस्ट्री सीट खोलें। गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। वहीं महिला संबंधी अपराधी, पॉक्सो एक्ट संबंधी प्रकरणों में प्रभारी पैरवी कर अभियुक्तों को जल्द से जल्द सजा कराना शासन की प्राथमिकता है। आइए देखते हैं कानपुर देहात से विराट 24 के लिए सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।